हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग हमेशा सर्च करते हो रशियन इन गोवा, रशियन इन इंडिया, तो आज मैं यही चीज़ दिखाने के लिए आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसे एरिया में जहाँ पर रशियन रहते हैं। और आज जहाँ पर ले जा रहा हूँ वहाँ पे एक लड़की और दो लड़के हैं, तो मतलब ये भी दिखाऊंगा कि एक लड़की और दो लड़के क्या कर रहे हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूं और यहां पे रशियन रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं रशियन इन गोवा। ये एक रशियन लड़की है और दो रशियन लड़के हैं यहां पे सुनसान इलाके में, तो मैं भी इनको पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया हूं। तो ये एरिया कहां पर है, आप यहां पे कैसे आ सकते हैं और यहां पे क्या क्या प्रोग्राम होता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ आज है, मैं इन दोनों से मिल रहा हूं। तो ये दोनों एक रशियन यूट्यूबर हैं और ये एक लड़की जो आपको राइडिंग करते हुए दिख रही है, ये एक रशियन मॉडल है। तो ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं। तो ये तीनों लोग रशियन हैं और गोवा में अरम्बुल से लगभग 4 किलोमीटर दूर केरिम एरिया बोला जाता है, अगर आप भी सर्च कर सकते हैं केरिम। यहाँ पे एक बीच भी है के जिसे केरिम कहा जाता है और केरिम बीच के नाम से भी सर्च कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको बनियान ट्री सर्च करना पड़ेगा। इसके साइड में कि ये बनियान ट्री राइट साइड मेरे जो है दिख रहा होगा, इसका भी एक रहस्य है। यहाँ पर रशियन बैठे रहते हैं और कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले ये बताता हूं कि ये एरिया है अरम्बुल में, या फिर ये कह सकते हैं कि ये अरम्बुल बीच के भी पास है और ये गोवा का अरम्बुल एरिया है जहां पे बहुत सारे रशियन रहते हैं और ये रशियन विलेज के नाम से है। अब ये मर्द दिखा रहा है कि इसे यहां से गोवा के द्वारा एक वो मिला है, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि ऐसा है। और ये है मुखिन, सॉरी ब्लाद मुखिन, इनका भी यूट्यूब चैनल है ब्लाद मुखिन और इसका भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मरत। ओके, ये सभी तीनों लोग रशियन हैं। अब बताता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। जो ब्लाद मुखिन है ये क्या करता है, गोवा में जो रशियन लड़कियाँ आती हैं उनको बाइक सिखाता है। रशियन लड़की के अलावा भी बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं अन्य देशों से, उनको बाइक एंड स्कूटी सिखाता है। वो जो पीछे दिख रहा है ना आपको, वो क्या है, वो है बनियान ट्री, उसके अंदर बहुत कुछ काम होता है, ये सुनसान एरिया है। तो ये तो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इससे मैं और कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। I saw you many times in videos, but actually I was not where you are living here. she lives on the street. Yeah. No. On the street. This here, on the field. On the field, yes. I saw your videos related to this. Yes. You do any competitions? Yes. Yeah. 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 You want? Join? No. You can't. I'm not pro rider. Not expert in riding, bike riding. Not expert. Okay. Ты что-то это выцвела голова. Выцвела. Да, я кепку хочу себе купить. Под солнцем, да, постоянно. Под солнцем плюс волосы отращиваю. Не этот, не. Я. Трафик. Я трафик. Туда. Я. Бро. Я. Okay, this is my yeah. You stand like this. I'm making her video little bit, okay? Yeah. You see, you stand like this. तो ब्लाद मुखिन ने बताया कि ये इंडिया में लगभग 13 साल पहले आया था और अब यहाँ पर लगभग 4 साल से रह रहा है और विदेशी लड़कियों को, यहाँ तक कि रशियन, उज्बेकिस्तान, ब्राजीलियन लड़कियों को बाइक एंड स्कूटी सिखाता है इसी ग्राउंड पे, मतलब अरम्बुल एरिया में, गोवा के अरम्बुल एरिया में। तो ये इनसे कुछ पैसे भी चार्ज करता है और इसे लाइसेंस मिला है गोवा गवर्नमेंट द्वारा और रशिया का भी इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है। वो देखो, वो बहुत सारे रशियन अंदर जा रहे हैं, उसको भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और शाम होती है ना, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है और दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच। तो क्या क्या होता है उसको भी मैं दिखाने का, थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सीक्रेट बताऊंगा इस एरिया के बारे में। ये देखो चारों तरफ फील है और यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लड़के और लड़कियाँ आके
क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करूंगा अगर आप गोवा आ रहे तो। ये जस्ट अरम्बोल बीच से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है और इस एरिया तक आने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास केवल यही 2 रशियन फ्रेंड थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तब इन लोगों ने मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो चलिए इनसे थोड़ा बातें करते हैं, उसके बाद मैं आपको बाद में मिलता हूँ थोड़ा आगे, तो आप इनकी बातें सुनो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ये लोग दे रहे हैं कि रशियन गोवा में कैसे रहते हैं और क्या क्या करते हैं। Here is home, all homes, na? All homes. Here, Russian people live? I think everywhere. Everywhere. Yeah. Everywhere. I know owner of this ground. He my good friend. No problem. Yeah. God? Huh? God? Not God. Owner. God. Sham. His name Sham. Yeah, he's the owner. Yeah, owner. He doesn't ask any money from you? Not ask. I want... Как это предложить? Suggest him some money for rent money. Yeah, I want rent this ground. Yeah. And maybe put some board, как это, забор. How much you are taking to teach her? How? 1,500. For full course? No, 1 hour. 1 hour? Yeah. Every day? Every hour. Every day, every hour. You teach 24 hours per 7. How much? Do you get around 30-50,000 per day? No, I not work more than 3-4 hours. More than 3-4 hours. That's nice. 3 hours. Yeah, that's nice. Not a bad job. Тебя вот эта вот тема поразвивалась, да, сейчас? Ну, фото подзавяло, мото под. Мото. Да, я фото мото. Мухин. Мухин мото. Мухин может, а можно фото. Можно. Я и фото, я и мото. Ну лучше мото. Да. Да. Look. And if you show this, they will say, what is this? Not real. Look, this is original. Russian original license. Yeah, 2024. Only for three years. Do you have any photos here? Yes, photo? Exactly. Let's compare. So I have only this. Yeah, this is the Marat driving license. This is the Mukil. Yeah. And I have nothing here. look how many this is. Yeah, I have. How many stamps? Yeah. Yeah, I can drive big bus, big truck, small anything. Oh my god, rickshaw. You did everything. Yes. And it's Mukhin before 5 years ago. No, 10 years. 10 years. Maybe. If now. Look this. This is not all. Also, I have this one. This one. This is you from, know what is this? From Goa. Yeah, this is. You got traffic, this license. Regulations. Это что? Это правило дорожного движения? Yeah. So many. Also, I have this one. This one. Government of Goa provided you. Yeah. This please blue. No one read this is private. This. Yeah, this is private. No one read this. No one read this. Yeah, that's why everybody write like this. Yeah. As they want. इनसे मिलकर और बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में उस लड़की से मिलवाऊंगा और बात कराऊंगा जो कि सीख रही है, और ये जो पीछे बनियान ट्री है ना, इस सीक्रेट एरिया को ही दिखाऊंगा अंदर से कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो आई होप आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको गोवा के और नए नए ब्लॉग देखना है और 2023 में गोवा आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और इन लोगों का नंबर भी दे दूंगा जिससे आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।